सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लव इज लाइफ। और आप अब सुनने वाले हो दास्तान इश्क। के प्रीवियस पार्ट में आप सभी ने सुना था कि जो हमारी जैज रहती है अपनी मेजर के साथ जेनिफर के रूम की तरफ बैठ जाती है। तो जो मेजर रहती है उसे तो पता नहीं रहता कि जेनिफर का रूम कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, बस उसके साथ जा रही होती है। और मेजर को लग रहा होता है कि ये बस अपने किसी फ्रेंड के पास ले जा रही होगी, ना ही जेनिफर के पास, तो इसलिए वो ज़्यादा कुछ और ना बोलते हुए चुपचाप जा रही थी, क्योंकि इतना बड़ा खुशी की बात था तो हो सकता है कि जैस अपनी फ्रेंड ही के पास ले जा रही होगी। ऐसे सोचते हुए जो मेजर रहती है वो जैस के साथ जा रही होती है, और दूसरी तरफ जो ऐना रहती है वो गुस्से में आग बबूला हुई फिरी रहती है, क्योंकि जो मिस्टर आर्यन जो था मिस्टर आयुष जो था, मतलब जो मिस्टर, उसने जो कहा था उस बात को सोच कर रहना का बहुत ज़्यादा पारा हाई हो रहा होता है, लेकिन इस बारे में वो जैस को बिल्कुल नहीं बताना चाहती थी, ना ही जेनिफर को, क्योंकि इस चीज़ में वो खुद फंसी थी और इस चीज़ की खुद वो गुनहगार थी, ये खुद वो महसूस कर रही होती है, खुद को वो कसूरवार मान रही होती है। इसलिए ये सारी जो मैटर रहता है उसे ही ये करना रहता है, क्लियर करना रहता है, इसलिए इस बारे में वो जैस और जेनिफर से बात नहीं, बिल्कुल कुछ भी शेयर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि क्या होगा, इसलिए वो बिल्कुल बताना नहीं चाहती थी। अब दूसरी तरफ जो जैस रहती है वो उसके मेजर को ले जाती है अपनी जेनिफर के रूम की तरफ, और रूम का डोर जो है नॉक नॉक करती है, और जब नॉक नॉक होता है तो जैस जो है इंतज़ार कर रही होती है जेनिफर की डोर ओपन करने का, और उस तरफ जो जेनिफर रहती है वो ब्लैक कलर की साड़ी पहनी रहती है, जिसमें वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है, खुद को मिरर के सामने जाकर निहार रही होती है और उसको सोचने लग रही होती है। उसकी जो स्माइल रहती है ना वो हाय, ऐसा लग रहा होता है कि कोई शर्म के पूरा चादर अपने फेस पे रखा हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा शर्म आ भी रही होती है खुद को आईने में देखकर। फिर दूसरी बार जब नॉक नॉक होता है जैस करती है तो जेनिफर को जो है आवाज़ आता है नॉक का, तो वो जो है दरवाजे की तरफ दिखती है, उसके फेस पर बड़ा सा स्माइल आता है, और ख़ुद को एक बार फिर से आईने के सामने खड़े होकर चेक करती है कि वो कैसे दिख रही है, और उसके बाद वो फिर से डोर ओपन करने के लिए चली जाती है और डोर ओपन करती है, तो डोर ओपन करते ही दिखती है कि सामने जैस खड़ी है, और इधर जो मेजर रहती है वो जब सामने दिखती है कि और कोई नहीं जेनिफर है, तो भाई उसका तो जो है चेहरे पे 12 बज जाता है, क्योंकि वो उसको लगा कोई और है लेकिन ये किसी और, तो वो जो है शौक भरी निगाहों से जो है नज़रों से जेनिफर को देख रही होती है एक टक, और जेनिफर जो है जिस तरह वो दिख रही होती है जैस को अब उस पर कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि जेनिफर जितनी ये लग रही होती है सेक्सी लग रही होती है इतना ज़्यादा कि वो खुद ही बयान नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि जिस लुक में जेनिफर थी हाय कितना ज़्यादा वो सोच सकते हो यार, जब आपकी पार्टनर साड़ी पहन कर आपके सामने आए और वो भी बहुत कम, तो आपकी हालत क्या होगी। वैसा ही इस बार जैस के साथ हो रहा था, लेकिन इस बार जैस ही नहीं साथ साथ जो मेजर थी, हाँ मानती हूँ मुझे गर्ल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था या था आई डोंट नो, बट वो जब जेनिफर को अपने सामने देखती है अपनी आंखों के सामने वो तो शॉक्ड हो जाती है, प्लस इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी जेनिफर की वो खुद भी बयान नहीं कर पा रही थी, तो वो उसे बस एक टक देख ही जा रही होती है। तभी जो जैस रहती है वो मेजर की तरफ देखती हुई बोलती, मैम क्या हुआ, चलिए अंदर। तो जो जैस रहती है ऐसे बोलती है, तो जेनिफर जब जैस की तरफ देखती है और एक नज़र मेजर की तरफ देखती है, तो वो थोड़ा सा जो है उसे अजीब सा लगता है, क्योंकि वो जिसके लिए तैयार हुई थी वो नहीं कोई और भी उसे देख रहा है, इसलिए वो थोड़ा सा उसे अजीब सा फीलिंग आ रहा होता है, और वो अंदर चली जाती है। और जो जैस रहती है वो इन दोनों के अंदर जेनिफर के अंदर जाती है, जैस जो है मेजर की तरफ देखती है और बोलती है, मैम तो क्या अब चलें। तो जो मेजर रहती है वो अपना सर हाँ में हिलाती है, क्योंकि उसे
क्योंकि अब वो क्या कहे उसे खुद को पता ही नहीं रहता, क्योंकि जो वो उसे पहले बोल रही होती है अब वो बोल भी नहीं सकती थी कि तुम झूठ बोल रही हो फालतू का, तुम इतना ज़्यादा चने ही झाड़ के मुझे ना चढ़ा, ये सब वो बोल रही होती है। लेकिन अब जब उसने जो देखा है जो समझा है उसके हिसाब से तो उसका तो बोलती बंद होना बनता ही है। अब वो अपना रिएक्ट क्या दे उसे भी खुद को पता नहीं था, इसलिए वो अपने सर हाँ में हिलाती है और ये दोनों जो है अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। जैस जो है डोर लॉक कर देती है और ये तीनों जो है अंदर चल जाते हैं। इधर जेनिफर भी अपनी जो है साड़ी का पल्लू अच्छे से कर लेती है और खुद को अच्छे से रेडी कर लेती है। तो जो ये रहती है मेजर रहती है वो वहीं पे खड़ी हो जाती है। तो जो जैस रहती है बोलती है मैम आप यहाँ पे आ जाइए सोफे पे बैठ जाइए। तो जो ये रहती है मेजर रहती है अपना सर हाँ में हिलाती है तो वहाँ पे जाकर वो बैठ जाती है। जैस बोलती है मैम आप क्या लोगे कॉफ़ी या जूस या वाटर। तो जो ही रहती है मेजर वो चुप रहती है बोलते हैं मैम, तो बोलते हैं हाँ जो जो भी आएगा वो चलेगा। तो जो ही रहती है जैस वो जेनिफर की तरफ देखती है तो जेनिफर को पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहती है, इसलिए जो जेनिफर रहती है वो कॉफ़ी ऑर्डर कर देती है 3 कप। तो जो ये रहती है जैस वो बोलती है मैम आप ठीक हो ना आर यू ओके। तो मेजर बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं सच में ठीक हूँ। तो बोलते हैं हाँ मैं सच में ठीक हूँ मुझे क्या होगा। तो बोलते हैं आपको क्या होगा। तो मेजर बोलती है क्या सच में ये आप तुम्हारी पार्टनर है। तो जैस बोलती है अब भी आपका कोई शक बाकी है। तो बोलती है हाँ लेकिन तुम कहाँ ये कहाँ। तो बोलती है मैम वो सब मैटर नहीं करता, बस ये मैटर करता है कि ये मेरी पार्टनर है। तो जो जेनिफर रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और इनकी बात सुन लेती है तो उसके फेस पे भी एक स्माइल आ जाती है और उसे भी थोड़ा सा ये हंसी आ रहा होता है कि मेजर ऐसी बात क्यों कर रही है। तो जो ये रहती है मेजर वो जेनिफर की तरफ देखती है कि वो हंस रही है। तो बोलते हैं आप हंस क्यों रही हो मैम। तो बोलते हैं नहीं नहीं आप मैम मत बोलिए, आप मुझे जेनिफर ही बोलो यही चलेगा मैम मत बोलिए। तो जो ये रहती है जैस वो भी बोलते हैं हाँ मैम आप मैम मत बोलो आप इनको भी जेनिफर ही बोलो। तो बोलती है लेकिन तो बोलते मैम प्लीज़। तो बोलते हैं ओके। तो उसके बाद जो मेजर रहती है वो चुप हो जाती है क्योंकि जैस और जेनिफर चुप हो रहे होते हैं। अब वो तो अब उसका पता नहीं क्या हो रहा होता है, वो यकीन करने के बावजूद भी वो यकीन उसे हो ही नहीं रहा होता है कि जेनिफर ऐसी है। वो जैस को चल चलो एक बार भी मान भी लेती कि जैस को गर्ल्स में इंटरेस्ट है लेकिन सैनिफर उसे अब पता नहीं क्या हो रहा होता है, वो उसके फेस से पसीने छूट रहे होते हैं। तो जेनिफर बोलते हैं आप ठीक तो हो ना मैम, आप पसीना छूट रहा है आपको गर्मी लग रही है क्या ऐसे बोलते हैं। तो बोलते हैं नहीं 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 लग रही है। तो जैस बोलती है मैम आप सच में ठीक हो ना ठंड के मौसम में आपको इतना ज़्यादा गर्मी। तो बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो जैस रहती है बोलते पक्का ना। तो बोलते हाँ ठीक हूँ। तभी उनके रूम पे जो है नॉक नॉक होता है। तो जेनिफर बोलते हैं लगता है ऑर्डर आ गया है मैं जाती हूँ चेक कर लेती हूँ। तो जैस जो है अपना सर हाँ में हिलाती है और जेनिफर जो है डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। जैस जो है मैम के साथ बैठी रहती है बोलते क्या हुआ मैम एनी प्रॉब्लम। तो बोलते नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पर सच में। तो बोलते हैं मैम अब भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। तो बोलती यार कैसे यकीन कर लूँ इतनी बड़ी फिल्म स्टार है वो भी गर्ल्स में इंटरेस्टेड है ये तो शॉकिंग है ना। हाँ मैं मान लेती एक पल में कि तुम हो पर वो पता भी तो इसको कैसे जानती हो, क्या रिलेटिव है या कोई कनेक्शन या तुम्हारी फ्रेंड वगैरह कुछ ऐसे बोलती है। तो बोलती हैं सब कुछ है। तो बोलती मतलब आपने बोला ना रिलेटिव है फ्रेंड है या कोई कज़न वज़न से मिलते हुए इससे मिले वगैरह वगैरह। हाँ एक्चुअली ये मेरे डैड की फ्रेंड की बेटी है तो मेरे डैड मॉम एंड डैड के बाद मैं इसी के डैड के साथ रहती थी। बस इसी दौरान मैं इससे जानी पहचानी और हम दोनों के बीच
अनदेखी ही सही, पर प्यार हुआ था लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। मुझे लगा था कि जेनिफर को ज़बरदस्ती ही मुझसे शादी करने के लिए बोला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें जेनिफर की भी मंजूरी थी, वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अब मुझे भी प्यार था तो मैं कब तक छुपाती, इसलिए मैंने भी हाँ कर दिया। अपने रिश्ते को हमने एक नया नाम दिया, साथ ही हम इस रिश्ते को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो जो मेजर रहते हैं बोलते हैं इसके बारे में किसको किसको पता है, तो बोलते हैं इसके बारे में हमारी फैमिली को पता है और इसकी एक सिक्योरिटी है उसको पता है और कोई नहीं है। तो जैस की बात सुन के मेजर बोलती है ओह अच्छा। तो उसी समय जो जेनिफर रहती है बाहर से जो है कॉफ़ी को लेकर अंदर आती है। तभी जैस बोलती है ये लीजिए मैम कॉफ़ी भी आ गया, चलिए कॉफ़ी पी लेते हैं। तो जो मैम रहती है वो भी अपना सर हाँ में हिलाती है। उसके बाद जो जेनिफर रहती है वो कॉफ़ी इन दोनों को देती है और खुद भी सामने वाले सोफे पे जाकर बैठ जाती है। इनके बीच बातें होना स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन जो मेजर रहती है उस जेनिफर से ठीक से बात भी नहीं कर पा रही होती है। तो इस बात को जो जैस रहती है वो बखूबी समझती है कि क्यों बात नहीं कर रही है मैम, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती ज़्यादा, वो बस इतना बोलती है मैम आप ठीक हो ना। तो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। तो बोलते हैं ओ तो आपको जानना था ना हम दोनों कैसे मिले। तो बोलते हैं तुमने बताया ना। तो बोलते हैं और बस इतनी सी कहानी है हम दोनों की, बस हम दोनों मिले, प्यार हुआ, फिर से हमने अपने रिलेशन को एक नया नाम दिया। तो जो मेजर रहती है वो बोलती है क्या तुम अपने रिलेशन के बारे में क्या सभी को बताना चाहोगे। तो जेनिफर बोलते हैं जरूर, लेकिन मैं तो अभी भी बताना चाहती हूँ, लेकिन यही है जो बताना नहीं चाहती। तो जैस की तरफ जो मेजर रहती है वो देखती है। तो जैस बोलती है मैम एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मैं पहले कुछ अच्छा करूँ और अपने पैर पे खड़ी हो जाऊँ। हाँ मैं तो हूँ अभी जिस मुकाम पे हूँ, आई नो मुकाम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत से अपना करियर जो है बनाया है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनका जो पूरा करियर है वो ख़राब हो जाए, इसलिए मैं बस इनको नहीं बताना है, बताने देना बिल्कुल नहीं चाहती। तो जो मेजर रहती है वो बोलती है हाँ आई नो तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन अपना रिलेशन इतना टाइम तक छुपाना तो अच्छी बात नहीं होगी ना। तो बोलते हैं हाँ आपकी बात भी सही है, लेकिन तो बोलते हैं अब तुम जानो तुम दोनों की लाइफ है, तुम अपने लाइफ में क्या करना चाहोगे और क्या नहीं ये तुम दोनों ही डिसाइड करोगे। तो जो चेस रहती है बोलते हैं आपकी बात भी सही है मैम। तो उसके बाद जो मैम रहती है इन दोनों से बहुत अच्छे से बात करती है और उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करके, जेनिफर से बात करके। तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद मतलब टाइम हो ही जाता है बहुत ज़्यादा, तो जो मेजर रहती हैं वो बोलते हैं वो एक्चुअली मुझे जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तुम दोनों बात करो मैं चलती हूँ। तो जैसे रहती है वो बोलते हैं मैम ये आप क्या कर रही हो, रुकिए कुछ समय बैठिए फिर उसके बाद आप चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेजर रहते बोलती है तुम दोनों को भी थोड़ा टाइम चाहिए, सो मैं जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूँ। तो जो जैस रहती है वो भी स्माइल करते हुए बोलते हैं जी चाहिए ज़रूर, ऐसे वो बोलती है। तो उसके बाद जो मेजर रहती है वहाँ से निकल जाती है। तो जो जेनिफर रहती है वो वहाँ पे जो ये रहते हैं ग्लास जो कॉफ़ी के जो कप पड़े रहते हैं उसे साइड करती है। तो जो ये रहती है जैस वो बोलती है वो तो मैं भी चलूँ। तो जेनिफर बोलती है आप कहाँ जा रहे हो। तो बोलती है वो एक्चुअली मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी बहुत ज़्यादा जो है थक लगा है, मुझे भी आराम करना चाहिए ना, रेस्ट करना चाहिए। तो बोलती है मतलब, तो बोलती है हाँ मतलब क्या है जान, मुझे भी थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, आराम की ज़रूरत है, और आप भी थोड़ा आराम कर लो, लगता है आपने भी बहुत ज़्यादा भाग दौड़ किया है आज। तो बोलती है लेकिन, तो बोलती है क्या लेकिन जान क्या हुआ। तो थोड़ा सा जेनिफर को गुस्सा आ रहा होता है जैस के ऊपर कि वो क्या बोल रही है, क्योंकि उन्हीं के लिए मैं तो इतना रेडी हो गई हूँ, इतना तैयार हुई हूँ, और देखो ये सब बोल रही हैं, ये वो सोच रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को छुपा भी रही होती है। तभी जो जैस रहते हैं स्माइल करते हुए बोलते हैं अच्छा तो क्या मैं सच में जाऊँ अगर आप चाहती हो तो। तो जो जेनिफर रहती है उसकी तरफ घूर के देखती है। तो जैस जो है स्माइल करती है, अपनी जगह से उठती है और जेनिफर की तरफ कदम बढ़ाती है और उसके जो है कमर पे अपना हाथ रखती हुए बोलती है वैसे एक बात बोलूं, आज आप बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हो और
और आपकी जो जुल्फे है ना, हाय कत्तिलाना है, ऐसे बोलती हुई उनकी बालों को टच कर रही होती है। तो जो चैस रहती है ऐसी टच तो कर ही होती है, तभी जेनिफर उसके हाथों को पकड़ती है और बोलती है, अच्छा कुछ समय पहले तो कोई जाने की बात कर रहा था ना, तो आप चली जाओ, वैसे भी मुझे नींद आ रही है, मेरे को सोना है, ऐसे बोल के वो जो है अपने बेड की तरफ देख रही होती है और उससे जो है उस कर देती है जैस को। तो जैस जो है उससे दूर हो जाते हैं। तो जेनिफर बोलती है, अच्छा आप जाओ, मुझे रेस्ट करना चाहिए और मुझे सोना भी चाहिए, और आप भी जाओ अभी रेस्ट कर लो, ऐसे बोल रही होती है। तो जो जैस रहती है अब वो खुद फंस गई होती है अपनी ही बातों पे, तो बोलते हैं, नहीं जान, मुझे मुझे रेस्ट नहीं करना, मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ, देखो एकदम मस्त हूँ। तो बोलते हैं, नहीं बाबू, वैसे भी आप जो है आज पूरा डे इतना ज़्यादा जो है बिजी थे, अब समझ सकते हो ना, अब मैं ऐसे में आपको थोड़ा ना परेशान करना चाहूँगी, मैं तो आपको परेशान तो बिल्कुल नहीं करूँगी, थोड़ा सा भी नहीं करूँगी, अब जाओ रेस्ट कर लो, हम कल बात करते हैं, वैसे भी कल तो हम लोग जाने वाले हैं, कल या परसों। तो बोलते क्या, तो बोलते हाँ, तो बोलते ओके ओके, ये आप क्या कह रही हो, वैसे भी आप तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकने वाले थे ना। तो बोलते नहीं जाओ, तो जो चेस रहती है वो बोलते लेकिन बेबी रुको ना, अब मुझे कंट्रोल नहीं हो रहा है ना। तो बोलते अच्छा क्या हुआ, आपको कंट्रोल किस बात का नहीं हो रहा है। तो बोलते बेबी समझो ना। तो बोलते अच्छा ना बताओ ना, मैं भी तो वही जानना चाहती हूँ कि आपको किस बात का कंट्रोल नहीं हो रहा है, कुछ हुआ है क्या, वो एक सेकेंड फियर व्यर तो नहीं आया ना, पक्का आप ठीक हो, ऐसे बोल के उसके जो है फॉरहेड को टच करने लगती है, उसके नेक को टच करने लगती है। तो बोलती है बाबा ये तो आप तो ठीक हो, मस्त हो, आपको तो कुछ हुआ ही नहीं है, कहीं और जगह पे पेन उग रहा है क्या। तो जो जेनिफर रहती है ऐसे बोलती है और उसकी तरफ देखने लगती है। तो जैस को पता चल जाता है कि अब तो उसी का स्यापा लगने वाला है, उसी की अब वाट लगने वाली है, क्योंकि अब उसने जो जेनिफर को छेड़ा है, अब छेड़ने का नतीजा तो उसे को ही भुगतना पड़ेगा। वो मन ही मन ये सोचने लगती है। तो जो जैस रहती है वो बोलते हैं, लेकिन जहाँ सुनो ना, आप यहाँ पे अकेले कैसे रुकोगे, वैसे भी जिस दिन से आई हूँ मैं तो आपके साथ ही रहती हूँ ना, हर नाइट आप अकेले सोने में डर जाओगी, आपको पता है यहाँ पे वो कुछ कुछ बातें सुनने को मिल रहे हैं। तो बोलती अच्छा क्या बात सुनने को मिल रहा है, वैसे भी आपको रेस्ट करना ना बेबी, मैं आपको परेशान कैसे कर सकती हूँ। तो बोलती है हाँ ना, मैं साइड में सो जाऊँगी ना, ऐसे बोल के अपना जो ये रहता है जैकेट रहता है उसे निकाल देती है और साइड में रखते हुए सीधा बेड के अंदर घुस जाती है, मतलब ब्लैंकेट के अंदर घुस जाती है। बोलती है मैं इधर सो जाऊंगी साइड में आराम से, आप इधर सो जाओ ना। तो बोलती ठीक है मैं सो तो जाऊंगी, लेकिन तो बोलते लेकिन लेकिन कुछ नहीं बीबी, आ जाओ आप सो जाओ, वैसे भी ठंड का मौसम है बीबी, जुकाम उखाम आपको पकड़ जाएगा, फीवर वीवर हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, आओ ना, ऐसे बोल के उसे अपनी तरफ खींच बुलाती है। लेकिन जो जेनिफर रहती है उसे भी थोड़ा मस्ती सूझ रहा होता है, इसलिए वो बेड रहता है उसके किनारे पे जाकर सो जाती है, मतलब एकदम साइड में जाकर सो जाती है। इन दोनों के बीच जो है दो लोगों की घुसने का गेप बन जाता है। तो जो जैस रहती है वो अब सोच में पड़ जाती है, भाई ये तो अब उतनी दूर में जाकर सो गई, मैं कैसे इनको मनाऊं, ऐसे बोल के वो जो है जेनिफर के करीब जा रही होती है। जेनिफर जो है समझ रही होती है कि जैस क्या कर रही है, लेकिन वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती है। तो जो जेनिस रहती है उस जेनिफर की बेहद करीब आ जाती है और उसकी कमर पे जो है धीरे धीरे हाथ रख देती है। तो जो जेनिफर रहती है उसकी तरफ देखती है, तो जैस जो है फट से अपने हाथ जो है छट से अपने हाथों को नीचे कर लेती है, मतलब अपने बैक तरफ करती है, मतलब पीछे कर लेती है अपने हाथों को। तो जो जैस रहती है वो बोलती है गुड नाइट बेबी। तो जेनिफर बोलते हैं हाँ गुड नाइट, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप वहाँ पे सोए थे ना, जाओ आप वहाँ पे जाओ सो। तो बोलते हैं नहीं बेबी, अब मुझे लगा आपको ठंड लग जाएगी इसलिए आकर आपके पास सो गई, वैसे भी आज आपने साड़ी पहना है सो आपको प्रॉब्लम हो सकती है ना जान, सोच लो आप भी, ऐसे बोल रही होती है। तो जेनिफर बोलते हैं नहीं नहीं जान, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप जाओ, वैसे ब्लैंकेट मैंने अच्छे से अपने ऊपर कवर कर लिया, जाइए आप सो जाइए। तो ऐसे बोलती है और फिर से अपना जो है टर्न हो जाती है और वो सो जाती है, मतलब अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब जैस को हो जाता है टेंशन कि उसे
उसके अंदर की फीलिंग को वो कैसे कंट्रोल करे, अब उसको हो जाता है दिक्कत। तो अब जेनिफर तो उसे कुछ करने नहीं दे रही होती है। अब देखते हैं कि जेस को क्या ऐसी जो है प्लान बनाएगी जिससे जेनिफर खुद ब खुद जेस के पास आएगी। सो ये सब जानने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा ये आपको बखूबी पता है। सो इसके आगे पे के एपिसोड देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहिए। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।